संथल आदिवासियों का जो ई है धार्मिक स्थल उसको नष्ट होने जा रहा है, इसलिए हम लोग को रैली प्रदर्शन करना ही होगा, आक्रोश रैली करना कर रहे हैं। देखिए हम लोग का लोगो गुरु बहुत बड़ा हम लोग का धर्म स्थल है, हम लोग का वहाँ पर यहाँ दिक्कत होगी ये वहाँ लोगो बाबा का जो गुफा है ये उसको मतलब उसी जगह पर डैम का निर्माण होने जा रहा है। वो डैम निर्माण होने से वहाँ लुगु बाबा का जो गुफा है जिसमें हम लोग पूजा अर्चना करते हैं उसको नष्ट हो जाएगी और हमारा अस्तित्व नहीं रहेगी। जो पूजा पैसा आस्था के साथ हम लोग का जो प्रोजेक्ट बनेगा और हम लोग का जो ठीक है जिस आधार पर आप रोजगार वहाँ मुहैया कराया जाएगा तो पहले देख लीजिएगा लालपनिया का डैम, मतलब तय हुआ था लालपनिया का डैम में हजारों गांव चला गया लेकिन कितना उसको रोजगार मिला वहाँ, जो वहाँ कुछ नहीं मिला। मेघा पावर प्रोजेक्ट जो अभी निर्माण होने जा रहा तो इसी तरह वहाँ भी आदिवासी को अतिक्रमण कर रही है उस स्थल को, मतलब और बहुत बड़ा का हम लोग को क्षति होगा। आज संथाल आदिवासियों का धार्मिक गढ़ लुगु बुरु घंटाबड़ी जहाँ केंद्र सरकार का उपक्रम डीवीसी के द्वारा प्रस्तावित हेडल प्लांट जहाँ स्थापित होना है वहाँ हमारे संत लुगु बाबा का गर्भगृह गर्भगृह है जिसमें ये प्लांट स्थापित होने से इस पानी को जहाँ बहाया जाएगा जहाँ बांध के बहाया जाएगा वहाँ ही है हमारा लुगु बाबा का गर्भगृह और ये प्लांट स्थापित होने से वो स्वतः ही पानी में चला जाएगा और इसी के विरोध में आज हम लोग संथाल आदिवासी 5 नवंबर को भारी जनसंख्या में पूरे समुदाय के लोग पूरे झारखंड प्रदेश के लोग और झारखंड से बाहर के भी लोग ये विरोध मार्च में प्रदर्शन में आएंगे और अपनी किसी भी कीमत में हम लोग अपनी आस्था को अपने धर्म को बचाने के लिए हम लोग हेडल प्लांट को वहाँ स्थापित नहीं होने देंगे। हम लोग अपनी मांग को रखे हैं, हम लोग पेपर या अपनी सामाजिक की एजेंडा या हम लोग लेटर पैड के माध्यम से सरकार को हम लोग अपनी समस्या को हम लोग अवगत कराए हैं और आज हम लोग बहुत गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारे देश में प्रथम नागरिक हमारे आदिवासी हैं और प्रदेश में भी हमारे आपने आदिवासी सरकार हैं और ये प्लांट के संबंध में हम लोग को बहुत ही सकारात्मक शायद हम लोग अपेक्षा करते हैं। प्रोजेक्ट आदमी को मर के समस्या पूछना कोई बात नहीं हो सकता है, किसी समुदाय का कोई धर्म ही विनाश हो जाए वहाँ विकास हम नहीं कर सकते हैं। झारखंड पूरे प्रदेश में पहाड़ों का ही ढेर है, कहीं भी प्रोजेक्ट को स्थापित किया जा सकता है लेकिन जहाँ हमारा आस्था का केंद्र है जहाँ स्थल है वहाँ हम लोग किसी भी कीमत में हम लोग स्थापित नहीं होने देंगे। The followup.in, like, share and subscribe.